हेलो, कैसे हैं सर? आज मैं शाम को ब्लॉग बना रही हूँ, देखिए। तो चलिए, बाहर को दिखा रहे हैं, बच्चे क्या आया है। बने रही है हमारे ब्लॉग में, सारका के ब्लॉग में आप सब बने रही है ऐसे, और आगे चल रहे हैं, आप सबको दिखा रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए सर, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, रख लोगी काऊ को? कितनी प्यारी काऊ है, देखो घूम रही थी। तो ये बच्चे देखो खिला रहे हैं, कितने अच्छे काऊ है। देखिए कितनी अच्छी काऊ आई है, खिला रहे हैं, पाल रहे हैं। ए लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, ये किसी रोज आती है बेटा, सुबह देखो यहाँ रहती है, चली जाती है जिसकी होगी उसके पास, नहीं छोड़ोगी, जिसका है वो तो ले जाएगा। जिसका होगा वो तो ले जाएगा बेटा, जिसका होगा वो ले जाएगा, कि आपको देगा, वो कहेगा मेरा काऊ दे दो, नहीं तो मारूंगी। देखिए काऊ अच्छे ने पकड़े हैं कैसे। कहाँ पर करियाई, कहाँ पर करियाई खरीद के है? उसे पकड़ भी रही थी, फिर खरीद के गई। अभी वो थोड़े देर में फिर आएगा। बैरा कहाँ छोड़ी आए? वो वहाँ है देखो, उसके नीचे घास के आ रहा, धीरे धीरे बैरो आ रहा है, फिर वो आ रहा है। मेरो वहाँ करी आई थी, फिर वहाँ से आ रहा, मेरो फिर जा रही वहीं पर। कभी पकड़ने जा रहा है, कभी पकड़ने जा रहे हैं क्या? गाय को पकड़ने जा रहे हो? गाय को काऊ को पकड़ने जा रहे हो? जा जा जा, पकड़ लो, जाओ वो बैरो देखो गई पकड़ने, पकड़ के लाना कभी। देखिए टीवी चल रहा, पापा जी टीवी चला के बाहर बैठे हैं, ऐसे हमारे यहाँ टीवी जब तक पापा रहेंगे ऐसे टीवी चलता है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनता रहेगा, चाहे लाइट से या ना रहे, इन्वर्टर से भी हमेशा चलता रहेगा। बच्चों ने एक कुर्सी लाए थे, हवा इसका निकल गया, कोई छेद कर दिए, 500 रुपया दिए, थोड़ा हवा भरना पड़ता था। ऐसे हमारे पिता आ जा कभी, पत्र वितरित किए गए हैं। मम्मी आई है क्या कभी यहाँ पर? मम्मी आई, माननीय विभाग के शासन तो पूरा परिवार आ गया, आ गए सब, सामान वामान सब उठा ले। आपके यहाँ से ही तो उठाए थे, हमारे यहाँ से क्या उठाए थे? क्यों आपके यहाँ से ही तो आए थे, आपके ट्रक से। अच्छा, कल? हाँ कल नहीं, बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मुझे नहीं पता था। हर स्तर पर जरूरी सहायता प्रदान कर, मुझे नहीं पता आपको ना, मुझे नहीं बताया, मुझे क्या पता था कि तू आ गया यहाँ। वो दही भी लाए थे, दही लाए थे, दूध लाए थे, दूध लाए थे, किसी कार में से। तो अब यही रहेगा? हाँ तो यही रहूँगा। अच्छा, दोनों में 6 महीने से ब्लड प्रेशर। मम्मी को तेरे देखा था, आज बैठी थी बाहर तब देखी थी कि बैठी थी। यार ये ट्यूशन जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। क्यों? बस ये 15 दिन तक ट्यूशन, आज छुट्टी कर ली। क्यों? बस इतना मजा नहीं आता। और पढ़ाई में भी मजा कोई लेना रहता है, ट्यूशन में कोई मजा लेना रहता है? और कभी जा हमारे स्कूल में सबको पढ़ाई से मजा।
तुझे सजा मम्मी तेरी बोलती है ना कि कभी छुट्टी मारता क्यों, स्कूल में तो मजा आता है, फ्रेंड बनाओ अच्छे से मजे आता है, एंजॉय करो पढ़ाई करो। लेकिन हमें मिलती है सजा कि यहाँ पढ़ाई करो। हाँ, घर पे अच्छा, घर पे अच्छा लगता है, अकेले रहते हो, बोर नहीं होते घर पे? नहीं। हाँ, मोबाइल फोन भाई जिंदाबाद। हाँ, फोन से नहीं का टाइम काटते हैं। मम्मी से तुम्हारी टीवी भी है यहाँ स्मार्ट। अब तो तुम्हारी मम्मी से बोल दोगे कि फोन मत देना, फिर ये जब परेशान होंगे तब जाएंगे ट्यूशन? नहीं तब भी नहीं, तब तो सोना है। अच्छा, पढ़ लो कभी, अगर सोना नहीं है तो बाहर जाना है। गंदी बात है, तो आपसे कोई दोस्ती नहीं जुड़ाएगा जब पढ़ो लिखोगे तब। क्यों सबसे दोस्ती नहीं क्यों कर रहा है? क्योंकि कहेंगे तो कभी पढ़ता है नहीं, इससे कौन दोस्ती करेगा। मैं तो आज छुट्टी करी है, मतलब मैं रोज छुट्टी करता। तो रोज पढ़ने जाया करो, जब मम्मी ने ट्यूशन बुलाए तो ट्यूशन जाया करो रोज, जैसे देखो रिदम बैरो, देखो चाहे उनके सर में रिदम बैरो, इसे कभी जब ज्यादा दर्द होता तो छुट्टी करती है, नहीं तो नहीं करती, समझे? गंदी बात है। फिर आपकी मम्मी मारती तो नहीं है? मारने लगेंगी ना, हम कह देंगे कहते कभी को मारा भी करो, तब कभी जाएंगे और जाके शिकायत कर दिया करो। मैं तो कहूंगी मारा करो, मुझे भी हमें नहीं कह देंगे कि जाके इनके टीचर से शिकायत कर दो कि स्कूल में कि ये आते नहीं है। ये तभी मैं कहता मैं कह दूंगी, जब शिकायत करोगे तो ये जाएंगे, जब वहाँ जाएंगे। फोन बिल्कुल ही खराब होने वाला। अच्छा ये बता कि मेला गया था देखने? मेला नहीं गया था। अच्छा, और रामलीला? रामलीला तो तुम्हारे घर के पास रामलीला होता है, रामलीला भी नहीं जाएंगे? तो वहाँ नहीं जाते रहे? हाँ हाँ, तो पता है जो तो रामलीला देखने नहीं जाते, रामलीला देखने नहीं जाते। अरे यार मेरे पास होता तो जाते, दूर पड़ता है, मैं पहली बार तो दूर पड़ता है, रात हो जाती है वहाँ जाते जाए, इसलिए रामलीला देखने नहीं जाते। मतलब उस दिन जाएंगे जिस दिन रावण जलेंगे। तो अब दिन छोटा होगा, रात बड़ा होगा, अब तो सर्दियाँ आ गई ना, तो जैसे दिन ढलते जाएंगे ढलते जाएंगे, रात बड़ी होती जाएगी। कितना रखे पाल लिए? कितने का लाया? फ्री में लिया हुआ था। फ्री में? देसी होगा ना? देसी नहीं, देसी नहीं है वो, गोल्डन स्ट्रीट का है। ले मेरे घर लाना, मैं भी देख लेती हूं। गोल्डन स्ट्रीट का नहीं है ये, जो इनके यहाँ ज्यादा और क्या नहीं है क्या? गोल्डन स्ट्रीट का वो वाला है। हाँ तो ये तो देसी है। वो देसी नहीं है, वो दूसरा है, वो दुख है। तुझे ज्यादा भूखेगी, चाहे देख लेना। चलो पढ़ाई करा करो। ये देखो कह रहे हैं रिदम, कह रहे मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है। रिदम बता दे बेटा कि पढ़ाई अच्छी लगती है? तभी कह रहा मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी लगती। मुझे 1% अच्छी नहीं लगती। देखो रिदम ये ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में मजा। अच्छा कब मजा लेने जाए, पढ़ाई करने जाते हैं ना, ये तेरा मजा नहीं आता। आप पिक्चर देख के एक ना एक दिन माँ की जगह पिटाई हो है झंडे से। झंडे को रिदम मारी राती है, और देखो घर पे ही ट्यूशन पढ़ाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। घर पे इनके चाचू एक दो घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं, दो घंटे ट्यूशन पढ़ती है घर पे। हम तो 3 घंटे पढ़े, 8 बजे आए तो उनके चाचू घर पे पढ़ा। मम्मी गई हुई थी नोएडा, अब 3 दिन में आई। अच्छा गई थी, सुन ही गया था क्या? खाली मम्मी, खाली मम्मी गई थी। चलो ठीक है, खेल लो फिर, जाओ खेल लो। देखिए बच्चा बहुत
तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहीं खत्म कर रहे हैं, बजा रहे हैं, भूख लगा ली, खाना बना ली है, तो यहीं खत्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय, जय माता दी।